हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए सहजन के फूल की रेसिपी लेकर आई हूँ। औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण इन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है। झारखंड में इसे मुनगा के नाम से जाना जाता है। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो चलिए फिर इस अत्यंत गुणकारी और पोषक तत्व से भरपूर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें इन सभी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से मैंने मुनगा के फूल को और डंठल को अलग कर लिए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर ले। अब इनमें थोड़ा पानी डालकर इन्हें एक से दो बार अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब इन्हें बॉईल कर लेंगे ताकि इनका कड़वापन निकल जाए। गैस ऑन कर मैंने यहाँ एक पतीला रख लिया है। अब इनमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब इनमें सहजन के फूल ऐड करेंगे, साथ ही मैं इनमें एक कटे हुए आलू ऐड कर लूंगी ताकि ये दोनों साथ में बॉईल हो जाए। अगर आपको आलू पसंद ना हो तो इसे ऐड ना करें। लगभग 10 मिनट हो चुका है, चलिए अब इन्हें चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से मैश हो रहा है, मतलब ये बॉईल हो चुका है। आलू को भी चेक कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इन्हें छलनी की सहायता से छान लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। गैस ऑन कर सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इनमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। अब इनमें हींग ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इनमें जीरा ऐड करेंगे और इन्हें चटकने देंगे। कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च ऐड करेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड करें। कटे हुए प्याज भी ऐड कर लेंगे। इन सभी को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। प्याज अच्छे से भून चुका है, अब इनमें बारीक कटा टमाटर ऐड करेंगे और इन्हें चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। अब इनमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला पाउडर और लाल मिर्च की पाउडर ऐड करेंगे और इन्हें भी अच्छे से भूनेंगे। सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है। अब इनमें बॉईल किए हुए सहजन के फूल और आलू ऐड करेंगे और इन्हें भी चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इन्हें लगभग 5 मिनट तक धीमी आंच में भुनेंगे, बीच बीच में चलाते रहे ताकि ये नीचे से लगे ना। ढककर लगभग 5 से 6 मिनट तक और पकने देंगे, जब तक इनका पानी ड्राई ना हो जाए। चलिए इन्हें चेक कर लेते हैं। देखिए इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो एक बार इस रेसिपी को अवश्य ट्राई करें। आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। औषधीय गुणों से भरपूर सहजन के फूल की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आप सभी के लिए और भी नई रेसिपीज लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ।